ये आकाशवाणी है, अब आपको ये लाइनें नहीं सुनने को मिलेंगी। प्रसार भारती ने ऑल इंडिया रेडियो के नेशनल चैनल और 5 शहरों के रीजनल ट्रेनिंग एकेडमी को तत्काल प्रभाव से बंद करने का फैसला दिया है। 24 दिसंबर 2018 को आकाशवाणी के महानिदेशक को भेजे एक पत्र में प्रसार भारती ने इसकी जानकारी दी थी। इसमें AIR के नेशनल चैनल और अहमदाबाद, हैदराबाद, लखनऊ, शिलोंग और तिरुवनंतपुरम के क्षेत्रीय प्रसारण और मल्टीमीडिया अकेडमी को बंद करने का फैसला लिया गया है। ऐसा खर्चों में कटौती के लिए किया गया है, साथ ही सेवाओं को और ज्यादा तर्कसंगत बनाया जा सके। राष्ट्रीय मुद्दों से लोगों को परिचित कराने में इस आकाशवाणी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। रात में संचालित होने वाले इस चैनल में हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी भाषा में कई तरह के प्रोग्राम प्रसारित किए जाते थे। इसका मकसद फैक्ट्री मजदूरों, किसानों, सैनिकों, ड्राइवरों और स्टूडेंट जैसे रुचि रखने वाले श्रोताओं के लिए कार्यक्रम प्रसारित करना था। इसमें मुशायरों के अलावा शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम भी सर्वाधिक लोकप्रिय रहा। इस चैनल के कार्यक्रमों की पहुंच 76% आबादी और 64% क्षेत्र तक थी। शाम को 6 बजे से और सुबह 6 बजे तक प्रसारित होने वाला आकाशवाणी का नेशनल चैनल 1987 में शुरू हुआ था। 32 साल तक चले ऑल इंडिया रेडियो के नेशनल चैनल के पास कार्यक्रमों का भरपूर खजाना है। इसमें कई महत्वपूर्ण राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक हस्तियों के इंटरव्यू, भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी, पंडित कुमार गंधर्व, मल्लिकार्जुन बंसू, एन राजम जैसे शास्त्रीय संगीतकों की रिकॉर्डिंग मौजूद है। प्रसार भारती ने 3 जनवरी को एक आदेश जारी कर नेशनल चैनल और आकाशवाणी के सभी महत्वपूर्ण कार्यक्रमों को डिजिटलाइजेशन कर उसके संरक्षण के लिए दिल्ली स्थित आर्काइव सेंटर भेजने को कहा है। इसके साथ ही आपको बता दें कि भारत में रेडियो प्रसारण का पहला कार्यक्रम 1923 में रेडियो क्लब ऑफ मुंबई द्वारा किया गया था। इसके बाद 1927 में प्रसारण सेवा का गठन हुआ। 1936 में इसे ऑल इंडिया रेडियो का नाम दिया गया। आज इसके 200 से ज्यादा केंद्र हैं। ऑल इंडिया रेडियो अपने प्राथमिक चैनल के साथ विज्ञापन प्रसारण सेवा, विविध भारती FM चैनल और विदेश प्रसारण चैनल भी संचालित करता है। तो ये थी आकाशवाणी से जुड़ी हुई न्यूज जो हमने आपको बताई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपका कोई सुझाव या शिकायत है तो कमेंट करके बताएं। धन्यवाद। जय हिंद। जय भारत।